यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के एक हालिया रिसर्च के मुताबिक जो 10 से 24 साल के नौजवान हैं, उनमें डेट का दूसरा सबसे बड़ी वजह सुसाइड है। और पूरी दुनिया में इस वक्त 73-80% नौजवान नस्ल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। उस रिसर्च के मुताबिक हम सब दिन भर में ऑन एवरेज 7 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को इस्तेमाल करते हुए गुजारते हैं। और इस दौरान तकरीबन 2600 मरतबा हम अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन को टच करते हैं। लेकिन कभी आपने ये चीज सोचा है, जब हम 7 घंटों से ज्यादा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारे पर्सनल लाइफ और हमारे हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है? कभी आपने सोचा है क्यों हम चाह कर भी आज सोशल मीडिया को यूज करने से खुद को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और कैसे हमारे साइकोलॉजी को यूज करते हुए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाया गया? देखिए, आपने भी ये चीज नोटिस किया होगा, जब भी हम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक पर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारा इंटरेस्ट पोस्ट है कि आपको कौन सा चीज देखना पसंद है, किस तरह के पोस्ट देखना पसंद है। और जैसे हम अपने इंटरेस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो एप्लीकेशन सिर्फ वही चीजें हमारे सामने दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इस तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हमारे साइकोलॉजी को ट्रिगर करता है ज्यादा से ज्यादा उसे यूज करने के लिए। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को देखें तो जब सोशल मीडिया को डिजाइन किया जा रहा था तो उससे पहले इंसानी साइकोलॉजी को लेकर कई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसके बाद आखिर में एक एक्सपेरिमेंट को फाइनल किया गया जिसे द स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब ये स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो मुकम्मल तौर पर हमारी साइकोलॉजी से मैच कर रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रिसर्चर ने सबसे पहले एक बॉक्स में एक कबूतर को बंद किया जिसमें एक होल और 2 बटन भी लगाए गए। अब जब भी उस बॉक्स में मौजूद कबूतर को भूख लगती थी या प्यास लगती थी, वो उन दोनों बटन में से एक को दबा देता था, जिस वजह से उसको खाने पीने की चीज उस हॉल में मिल जाती थी। रिसर्चर ने यह एक्सपेरिमेंट कुछ दिनों तक जारी रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ चेंजिंग कर दी। पहले क्या होता था, जब भी कबूतर को भूख या प्यास लगती थी वो एक बार बटन को दबा देता था, जिसके बाद उसे खाने पीने की चीज उस हॉल में मिल जाता। लेकिन इस बार रिसर्चर ने उसे रेंडम पैटर्न पर सेट किया, जिस वजह से कबूतर बार बार उस बटन को दबाने लगी। फ्रस्ट्रेशन की वजह से कबूतर हर 10 सेकंड बाद बटन दबाने लग जाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कब और कितनी बार दबाने से उसे खाने पीने की चीज मिल जाएगी, इसलिए वो बार बार बटन दबाने लग जाता है। अब उसी सेम फार्मूले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए इन रिसर्चर्स ने यूज किया। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा, जब भी आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं तो आप स्क्रोलिंग करना तब तक बंद नहीं करते जब तक आपके सामने आपके इंटरेस्ट और आपको जो चीज देखना पसंद है वो आपके सामने नहीं आते, तब तक आप स्क्रोलिंग करना बंद नहीं करते, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होते कितनी बार किस पोस्ट के बाद जो चीज आप देखना चाहते हैं वो आएगी। यानी हम सेम उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह वो कबूतर कर रहा था। दूसरी चीज, हम जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, उसी पर्टिकुलर टाइम में हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहा जाता है। अब डोपामीन बेसिकली एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज करता है जब हमें कोई प्लेजर या खुशी महसूस होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया यूज करने से हमें वो प्लेजर मिले, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको यूज करने से हमें वो प्लेजर या खुशी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रग्स एडिक्ट भी ड्रग्स बार बार इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका ब्रेन उसे ड्रग्स लेने के बाद डोपामिन रिलीज करते हैं। या सिगरेट का नशा करने वाला तब तक अपने आप को अनकंफर्टेबल अनप्लेजर फील करते हैं जब तक वो सिगरेट का कश नहीं लगाता, क्योंकि सिगरेट पीने के बाद ही उसका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जिससे उसे उसी पार्टिकुलर टाइम के लिए खुशी महसूस होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से सोशल मीडिया भी काम करते हैं। जब तक हम सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं गुजारते हमारा ब्रेन भी डोपामिन रिलीज नहीं करता, इसीलिए हम घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए गुजार देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें एक पार्टिकुलर टाइम के लिए थोड़ी खुशी और प्लेजर चाहिए होता है। इसके अलावा तीसरी चीज जिस वजह से हम सोशल मीडिया का एडिक्ट बन चुका है, आपने ये चीज तो सुना होगा, अ मैन इज अ सोशल एनिमल। हम इंसान जो है वो एक तरह से माशरती जानवर है, हम उन्हीं चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, उन्हीं चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द होता है। अब सोशल मीडिया आने के बाद क्या हुआ कि हमें इंस्टेंटली सोशल वैलिडेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसे जो लोग आपको जानते तक नहीं था उन लोगों ने उस पर कमेंट और लाइक की, जिससे क्या हुआ कि आपको अटेंशन मिली, आपके जो ब्रेन है उसने डोपामिन रिलीज किया और उसी पार्टिकुलर टाइम के लिए आपको खुशी महसूस हुई। अब उसे अटेंशन और खुशी के चक्कर में आप रोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट और रील शेयर करते हैं और उन पर आने वाले लाइक्स और कमेंट के बेस पर आप ये समझते हैं कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया से हटकर रियल लाइफ देखें तो हम सोशल मीडिया पर सिर्फ वही चीजें दिखाते हैं जिसे हमारे ब्रेन डोपामिन रिलीज करते हैं और उसी पार्टिकुलर टाइम के लिए हमें खुशी महसूस होती है। हम अपने लाइफ का सेट और मायूस पार्ट कभी सोशल मीडिया पर दिखाते नहीं है, जिस वजह से आप डिप्रेस होते हैं, क्योंकि जो चीज आप रियलिटी में है वो कभी आप सोशल मीडिया पर दिखाते नहीं और जो आप दिख रहे हैं वो आप होते नहीं है।